तो पिछले लेक्चर में हम माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर रहे थे। माइकेलसन ने ये एक्सपेरिमेंट कंसीव किया था, उसकी पूरी योजना बनाई थी और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया जिसमें कि मुख्य रूप से एक लाइट की पतली बीम, प्रकाश की पतली बीम को ग्लास प्लेट से आधा रिफ्लेक्ट कराया और आधा आगे जाने दिया और दोनों के रास्ते में फिर परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में ये दर्पण रखे। एक M1 दर्पण यहाँ रखा, एक M2 दर्पण यहाँ रखा और दोनों जगह से जो परावर्तित होकर किरणें आईं, लाइट की बीम आईं, उसका कुछ हिस्सा इधर को आया। इधर से जो आई वो इसमें से पार करके इधर आगे बढ़ी, इधर से जो आई वो यहाँ से परावर्तित होकर के इधर बढ़ी। जो इधर का हिस्सा इधर चला गया उसकी चिंता नहीं करना, जो इसका इधर का हिस्सा परावर्तित होकर इधर चला गया उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन ये जो दोनों आए उसको फिर टेलीस्कोप में देखा गया और उसके आगे वहाँ से गणना हुई। लेकिन उसके पहले हमें ये कैलकुलेशंस में चाहिए था कि यहाँ से जाकर यहाँ आने में कितना समय लगा और यहाँ से जाकर के यहाँ आने में कितना समय लगा। तो पहला पार्ट हमने कर दिया था कि इस शीशे की प्लेट से M1 मिरर तक जा कर के आने में कितना समय लगा, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था और वो कैलकुलेशन करके हमने यहाँ इसको T1 निकाल करके रखा हुआ है कि इसको इतना समय लगा। और अब हम अभी जो काम करेंगे वो दूसरे वाले हिस्से में, यहाँ से M2 मिरर तक जा कर के लौटने में कितना समय लगा उसको हम निकालेंगे। तो धरती के फ्रेम में, अपनी लैब के फ्रेम में, ये वाई दिशा में रोशनी जा रही है और वाई दिशा में वापस, माइनस वाई दिशा में वापस आ रही है। तो यानी अगर हम इसका, हमें क्या चाहिए, हमें ये VY' चाहिए। एक्स दिशा में तो कोई वेलोसिटी है नहीं इस फ्रेम में, VX' तो जीरो है, VY' हमें चाहिए। तो मैं थोड़ी जगह बना लूं, तो हम अपने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे। VX' बराबर VX - V। और इस बार यहाँ से ऊपर जब हम M2 तक जा रहे हैं तो X दिशा में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, Y दिशा में है, अर्थात ये ज़ीरो है। ज़ीरो बराबर VX - V, अर्थात VX = V। ये इस हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो परिणाम निकले थे उसमें से ये बात निकल कर के आई। VX क्या है, ये VX क्या है, ये वाली जो रोशनी ऊपर जा रही है उसका ईथर के फ्रेम में, यहाँ प्राइम नहीं लगा है, ईथर के फ्रेम में एक्स कंपोनेंट, तो वो एक्स कंपोनेंट ये वी है। और VY' के लिए हमारा इक्वेशन क्या था, VY' के लिए हमारा इक्वेशन था VY' बराबर VY। और इसलिए यहां पर अगर मैं लिखूं VY = VY'। अब आप इनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो वैसा जब करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अर्थात VX² + VY² बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी V² + VY' का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये VX यानी प्रकाश के वेग का ईथर फ्रेम में X कंपोनेंट, ईथर फ्रेम में, क्योंकि प्राइम नहीं लगा यहाँ पे, और ये प्रकाश के वेग का ईथर फ्रेम में Y कंपोनेंट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसको जब जोड़ देंगे तो ईथर के फ्रेम में प्रकाश की चाल का स्क्वायर हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। जो स्पीड का स्क्वायर है वो X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Z कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ Z कंपोनेंट तो है ही नहीं, Z कंपोनेंट इस चित्र में देखेंगे तो वो ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इधर तो कुछ है नहीं, जो कुछ हो रहा है सो XY प्लेन में हो रहा है। तो ये ईथर के फ्रेम में प्रकाश का, ये वाला प्रकाश जो यहाँ से M2 की तरफ जा रहा है हमारे हमारी अर्थ के फ्रेम में, तो उस प्रकाश का वेग
का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड है, चाल है, उसका ये स्क्वायर है, और इसलिए ये हो गया सी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस वी वाई प्राइम स्क्वायर। और यहां से आप वी वाई प्राइम लिख सकते हैं, और वो वी वाई प्राइम होगा, वो वी वाई प्राइम होगा स्क्वायर रूट, क्योंकि वी वाई प्राइम का स्क्वायर है यहां पे, और इस वी स्क्वायर को आप इधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऐसा ये है वी वाई प्राइम। और ये प्राइम फ्रेम में है, ये अर्थ के फ्रेम में है, अर्थ के फ्रेम में प्रकाश के वेग का वाई कंपोनेंट है ये, अर्थात इस तरफ जो वेलोसिटी है रोशनी की वो वेलोसिटी हमने अभी निकाली है। तो यहां से और यहां तक जाने में कितना समय लगा, ऐसे इस मिरर तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो उसको अगर आप टी टू ए लिखें तो टी टू ए बराबर ये डिस्टेंस भी आप एल ले लें, एल वन और एल टू भी ले सकते हैं आप, तो वो होगा एल बटा स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि अर्थ के फ्रेम में एल डिस्टेंस चले हैं, अर्थ के फ्रेम में जो स्पीड है वी वाई प्राइम वो हमने यहाँ निकाल करके अभी अभी प्राप्त की है, तो आप भाग लगा देंगे तो इतना समय लगेगा। और एम टू से अगर आप वापस आएंगे यहाँ तक तो भी उतना ही समय लगेगा, वही गणित होगा, वही अलजेब्रा होगा, केवल एक दिशा का परिवर्तन है, यहाँ भी वो परपेंडिकुलर है जो इथर का वेग है इस फ्रेम के अंदर में, सब कुछ वैसा ही होगा, तो उतना ही समय इसमें भी लगेगा। तो जो वापस लौटने का समय है यहाँ से, जो ये वापस लौट रहा है इस ग्लास प्लेट तक टी टू बी, वो भी उतना ही है एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और इस कारण से टी टू टोटल टाइम यहाँ से जाके यहाँ लौटने में और यहाँ से जाने में और फिर लौटने में टोटल टाइम जो है वो टी टू ए प्लस टी टू बी अर्थात 2L by ये इतना, इसमें से C आप बाहर निकाल लीजिए तो C और यहाँ 1 by square root 1 minus V square by C square। अब आप इन दोनों T1 और T2 को देखें, तुलना करें, T1 का मान देखें, T1 का मान हमने निकाला था 2L by C 1 by 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लेकिन टी टू का मान हमारा जो निकला है 2L बाई सी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दोनों अलग अलग हैं। बराबर डिस्टेंस भी अगर हम लेते हैं L और L, तो रोशनी को यहाँ से यहाँ तक जाके लौटने में जितना समय लगा और यहाँ से ऊपर M2 तक जाकर लौटने में जितना समय लगा वो बराबर नहीं है। तो वो कितना उनमें परिवर्तन है, कितना उनमें डिफरेंस है, तो वो डेल्टा टी अगर आप लिखें, डेल्टा टी बराबर टी वन माइनस टी टू, तो ये परिवर्तन है 2L बाई सी और फिर यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इतना दोनों में परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के कारण से दोनों तरफ आने में, इस साइड से जाके आने में, इस साइड से जाके आने में समय जितना लगा, उसमें जो परिवर्तन है, उसमें जो अंतर है, उसके कारण यहाँ टेलीस्कोप के अंदर में एक फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ता है। कैसा फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे इनको कहीं पर अच्छी सी रोशनी दिखती है, कहीं पर इनको अच्छी सी रोशनी दिखती है और फिर कुछ अंधेरा सा दिखता है, फिर कुछ अच्छी सी रोशनी दिखती है, फिर कुछ अंधेरा सा दिखता है, फिर कुछ अच्छी सी रोशनी दिखती है, फिर कुछ अंधेरा दिखता है, तो इस तरह का ऐसा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा एक पैटर्न यहाँ पर दिखता है। और वो पैटर्न कितना होगा, कैसा होगा, कितनी दूर के ऊपर ब्राइट होगा, कितनी दूर के ऊपर डार्क होगा, ये सब चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी। अब माइकेलसन का जो जीनियस है वो क्या था, वो देखें आप, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट एक बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन किया था, ये जितना ग्लास प्लेट और ये सब कुछ एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन किया था।
और उस प्लेटफॉर्म को मरकरी के पुल पर फ्लोट कराया गया था, और आइडिया ये था कि उस पूरे प्लेटफॉर्म को 90 डिग्री से घुमा दिया जाएगा। और जब 90 डिग्री से घुमा दिया तो क्या हुआ, जो ये M1 मिरर है ये इधर चला गया और M2 मिरर जो है वो इधर चला गया। यानी ये जो रास्ता था, जो पहले इथर में जो हमारा वेग था उसके समानांतर था, और ये रास्ता उसके लंबवत था। ये धरती इथर में अगर इस तरफ को चल रही है, दाहिनी तरफ को चल रही है हमारे चित्र में, तो ये जो पहले मिरर M1 मिरर वाला रास्ता था वो धरती के इथर में चलने की दिशा के समानांतर था, और M2 वाला जो रास्ता था वो उस धरती के इथर में चलने वाली दिशा के लंबवत था। लेकिन 90 डिग्री से घुमा देने पर ये पलट गया। तो अब घुमा देने के बाद जो T1 था वो T2 बन गया, जो T2 था वो T1 बन गया। तो इसलिए अब फिर से नया, अगर हम ये डेल्टा टी निकालेंगे, ये घुमाने के पहले का डेल्टा टी है, और अगर हम घुमाने के बाद का डेल्टा टी निकालेंगे तो वो कैसा होगा, तो उसको आप लिखें। इसको अगर आपने डेल्टा टी कहा है उसको आप कुछ और नाम दे दें, डेल्टा टी स्टार लगा दें। यानी 90 डिग्री घुमाने के बाद इस आर्म में जो था, इस वाली भुजा में जो था और इस वाली भुजा में जो था, वो टाइम डिफरेंस आप फिर से लिखें तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये 2L/C के बाद, और पहले ये आएगा स्क्वायर रूट वाला और बाद में फिर ये आएगा, यानी इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा टी में कितना परिवर्तन हुआ, घुमा देने के कारण डेल्टा टी में कितना परिवर्तन हुआ, वो भी आप लिख सकते हैं। डेल्टा टी और माइनस डेल्टा टी स्टार ऐसा लिख सकते हैं, वो इसका दुगना हो जाएगा। और ये जो फ्रिंज पैटर्न है, ये फ्रिंज पैटर्न इस डेल्टा टी के कारण से यहां बना हुआ है। इस डेल्टा टी में अगर कोई परिवर्तन होगा तो ये फ्रिंज पैटर्न खिसकेगा, शिफ्ट होगा। अभी टेलीस्कोप में जो दिख रहा है, टेलीस्कोप में एक खास क्रॉस वायर होता है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ जो क्रॉस वायर है वहाँ पर डार्क है या ब्राइट है या दोनों के बीच में कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इस डेल्टा टी में T1-T2 जो है, इसमें अगर परिवर्तन होगा तो ये पूरा फ्रिंज पैटर्न ऐसे खिसकेगा, एक साइड में खिसकेगा। कितना खिसका, इससे आप पता लगा सकेंगे कि डेल्टा टी में कितना परिवर्तन हुआ, अर्थात डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी स्टार कितना है, अर्थात हमें इस क्वांटिटी का पता चल जाएगा। इसी का डबल है ये, इसी का, जब इस डेल्टा टी से आप इस डेल्टा टी स्टार को घटाएंगे तो इसी का वो नेगेटिव है, इसका डबल है, तो आपको इसका पता चल जाएगा। और इसका पता चला, एल आपको पता है, सी आपको पता है, तो आप उसमें से वी निकाल पाएंगे। तो यानी ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो डिज़ाइन किया गया था कि हम धरती का वेग ईथर के फ्रेम की अपेक्षा कितना है उसको नापना चाहते हैं, तो वो नापने की ये पद्धति बनी कि आप ये करो ये करो ये करो, एक फ्रिंज पैटर्न आएगा उसको देखो, और उसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म को 90 डिग्री से टर्न करो, तो फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट होना चाहिए, कितना शिफ्ट होगा उसको नापो, और कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ उससे फिर कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ से कि वो वी कितना है, ईथर में धरती की वेलोसिटी कितनी है, तो हमें ईथर के फ्रेम का पता चल जाएगा। ये माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की पूरी अवधारणा है, और इसको करने के लिए और बहुत परिश्रम, बहुत डिज़ाइन सब कुछ किया गया, क्योंकि ये जो फ्रिंज शिफ्ट होने वाला था ये भी अपने आप में काफ़ी थोड़ा ही सा शिफ्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन ऐसा करना था कि वी अगर 20-25 किलोमीटर पर सेकंड भी हो,
कल्पना यही थी, क्योंकि जब धरती सूरज के चारों बगल चलती है ऐसा, तो फिर वो 30 किलोमीटर पर सेकंड का उसका स्पीड होता था, तो कल्पना यही थी कि उस स्पीड को पकड़ना है, इथर का स्पीड कुछ वैसा ही होना चाहिए, तो ये पूरा इस प्रकार का डिज़ाइन है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वो 90 डिग्री रोटेशन वगैरह किया गया, तो पाया गया कि फ्रिंज पैटर्न में ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, फ्रिंज पैटर्न जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, अर्थात ये जो वी है ये वी ज़ीरो निकल करके आया, इस वी का मान ज़ीरो निकल करके आया। तो हो सकता है ज़ीरो निकल करके आया, क्योंकि हमारी धरती भी ऐसा चलती है, तो किसी समय उसकी वेलोसिटी इधर होती है, किसी समय उसकी वेलोसिटी उधर होती है। सूरज के चारों बगल धरती चलती है, आपको पता है सूरज के चारों बगल धरती ऐसा चलती है, चक्कर लगाती है 365 दिनों के अंदर में। तो धरती जब यहाँ है तो उस समय इधर चलती है, जब यहाँ है तो इधर चलती है, जब यहाँ है तो इधर चलती है। तो हो सकता है कि जिस समय एक्सपेरिमेंट किया गया उस समय में और इथर के फ्रेम में ये स्थिर था, सन की अपेक्षा इथर भी इधर ही चल रहा था, ये भी इधर ही चल रहा था, लेकिन इथर का फ्रेम फिक्स्ड है, ये ध्यान रखिए। तो हो सकता है कि उस समय वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, अर्थ की इथर में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, लेकिन जब ये 30 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड पलट करके यहाँ 30 किलोमीटर पर सेकंड इस तरफ हो जाएगा, तो अगर यहाँ इथर की अपेक्षा वेलोसिटी ज़ीरो है तो यहाँ तो इथर की अपेक्षा वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट साल के अलग अलग महीनों में दोहराया गया कि इस समय में हमें वी बराबर ज़ीरो मिला था, इस समय में हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन हर हालत में, चाहे आप उसको मार्च में करें या अक्टूबर में करें या दिसंबर में करें या जनवरी में करें, हर हालत में इधर रख कर कर करें, थोड़ा घुमा करके करें, ज़्यादा घुमा कर करें, हर हालत में वी का मान हमेशा ज़ीरो ही निकल करके आया। और माइकेलसन की जो पूरी योजना थी कि हम ईथर के फ्रेम में, एब्सोल्यूट रेस्ट के फ्रेम में धरती का वेग निकालेंगे, वो धराशायी हो गया। इसको कहते हैं नल रिजल्ट ऑफ माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। या नेगेटिव रिजल्ट, माइकेलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ऐसा कहते हैं। तो उसका उसमें जो सोचा जा रहा था कि फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट होगा उसे वी निकलेगा, वैसा नहीं हुआ, वी बराबर ज़ीरो ही आ गया। तो ये जो रिजल्ट है कि वी बराबर ज़ीरो ही है, कोई किसी प्रकार का फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी अनबूझ पहेली रही बहुत समय तक। और इसका भी योगदान रहा रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स को करने में, क्योंकि ये अगर होता, ये अगर मिल गया होता, तो हमें फिर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि तब इधर के फ्रेम में वेलोसिटी सी होती, दूसरे फ्रेम्स में जो उसकी अपेक्षा एक समान वेग से चल रहे हैं उनमें वेलोसिटी सी नहीं होती, उनमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस लागू नहीं होते, तो सभी इनर्शियल फ्रेम एक जैसे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रयोगों के द्वारा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और तब यहां से आइंस्टीन की परिकल्पना शुरू हुई कि हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स है तो उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है, तो इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हर एक फ्रेम में प्रकाश की वेलोसिटी बराबर रहती है, सी रहती है, सी माइनस वी नहीं होती, सी प्लस वी नहीं होती, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे कोई भी फ्रेम हो, इनर्शियल फ्रेम, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में प्रकाश की स्पीड सेम रहती है, और अगर सेम रहती है तो ये जो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के जो हमारे इक्वेशंस हैं, जो हमारे लॉज हैं, अब उनके आधार पर सोचना फिर से कि रिलेटिविटी
प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वैलिड है या वैलिड नहीं है. जो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, लाइट, इनके आधार पे तो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख रहे हैं और हम माने इस बात को कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वैलिड है और मैक्सवेल्स इक्वेशंस वैलिड हैं. सभी इनर्शियल फ्रेम एक समान है, जो लॉज ऑफ इक्वेशंस हैं सभी में एक प्रकार के हैं. लेकिन मैकेनिक्स के जो इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल उठ करके खड़ा होता है. तो यहाँ से शुरुआत होती है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की. उन्होंने कहा ये मान लो, अब आप कोई झंझट नहीं, ये मान लो आप कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सबके लिए सही है, मैकेनिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, कुछ भी हो, ये हमेशा के लिए सही है. और जो लाइट की स्पीड है वो सभी फ्रेम्स में एक समान है, ये भी आप मान लो. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये मान करके हम चलेंगे. तो ये जो दो बातें आइंस्टीन ने लेकर के आगे अपनी थ्योरी डेवलप की, उसको हम लोग कहते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जो विशिष्ट आपेक्षिकता स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका सिद्धांत, उसके ये पॉस्टुलेट्स हैं, अभिगृहित हैं ये, तो हम उसको ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये सबसे केंद्र की बात है. विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अभिगृहित यानी पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स. और पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कि बस ये इस पर प्रश्न नहीं उठाना है, ये मान के चलना है अपने को. पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. क्या दो बातें जिसको कहेंगे, पहला प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकृति के नियम प्रकृति के नियमों का स्वरूप सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र या फ्रेम एक समान होता है. प्रकृति के नियम, सभी नियम, मैकेनिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सभी नियम, प्रकृति के सभी नियम आप एक इनर्शियल फ्रेम में लिखें या दूसरे इनर्शियल फ्रेम में लिखें, आपको वही समीकरण लिखने पड़ेंगे. तो उनके नियम जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, उनका जो लॉज हैं वो सेम रहते हैं. ये पहला पॉस्टुलेट है, पहला अभिगृहित है. और दूसरा प्रकाश के वेग के बारे में, प्रकाश का वेग, और जब हम प्रकाश का वेग कहते हैं ये निर्वात में वेग है, ये मटेरियल के अंदर में वेग नहीं है. मटेरियल के अंदर में आप जानते हैं शीशे के अंदर अगर लाइट घुसती है तो उस समय उसका वेग घट जाता है.
तो उसके बारे में नहीं है, ये निर्वात में जो प्रकाश का वेग है उसके बारे में है। प्रकाश का वेग या लिखिए थे निर्वात में, वैक्यूम में सभी जड़त्वीय फ्रेमों में बराबर होता है। जिसको हम लोग छोटा सी अक्षर से लिखते हैं और उसका वैल्यू फिक्स्ड है लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय फ्रेमों में बराबर होता है, चाहे वो सोर्स जो है वो चल रहा हो, स्थिर हो, कुछ भी कर रहा हो, जो प्रकाश को जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्जर्वर, दर्पण, लेंस, वो चल रहा हो, स्थिर हो, कुछ भी हो रहा हो, प्रकाश का वेग हमेशा हर इनर्शियल फ्रेम में एक ही जितना मिलने वाला है। वहाँ पर वी एक्स प्राइम बराबर वी एक्स माइनस वी, ये सब इक्वेशंस नहीं चलने वाले हैं। तो ये दो जो पॉस्टुलेट्स हैं उनके आधार पे फिर बाकी सारी चीज़ें डिराइव की गई हैं, बाकी सारी चीज़ें निकाली गई हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकली हैं जिनका अब हम वर्णन करेंगे।